गाइस नमस्कार केम छो आदाब सत श्री अकाल। हमने प्लान बनाया है कि आज हम जाएंगे काली का टीपा जो पड़ता है चायल में, तो जैसा जैसा ही बनेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा छोटे छोटे व्यूज, सुंदर व्यूज। और चलो मिलते हैं। काली का टीपा जिसकी ऊंचाई लगभग 2250 मीटर है, यहाँ आने के लिए आपको सोलन से दो रास्ते लगेंगे। पहला रास्ता कंडा घाट होते हुए जाएगा और दूसरा रास्ता गिरिपुल होते हुए, और आज मैंने गिरिपुल का रास्ता चुना है। मैं गिरिपुल से आगे आ गया हूँ। ये जो लेफ्ट साइड रास्ता है ये गौड़ा, यहीं से जाएंगे हम अभी। वो रहा दोस्तों, देखो ऊपर जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको जहाँ का सफ़र है। ये देखिए दोस्तों काली का टीपा। और दोस्तों ये जो राइट साइड वाला रास्ता है ये राजगढ़ जाता है, यहाँ से आप चूड़धार भी जा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रूट्स, ताज़े ताज़े फ्रूट्स दिखते हैं यहाँ पे। बेहद प्रसिद्ध दुकान है ये भी, कहा जाए तो बहुत पुरानी दुकान है। यहाँ भैया की यहाँ पे इतनी ताज़ी ताज़ी फ्रूट्स लगी रहती है, जब भी आप राजगढ़ रोड में जाए तो यहाँ पे जरूर आए। दोस्तों अब हम फ्रूट्स लेके निकल चुके हैं। ये देखिए दोस्तों एक तरबूज लिया हुआ है, और केला दिखाओ भैया। ये देखो 100 रुपये का केला। आज भैया का ये मान है कि आज हम फ्रूट खा के ही जिंदा रहेंगे पूरे दिन भर। ये हमारे बनी भाई, ये अक्सर आपको मेरे ब्लॉग में दिखा करेंगे, ये मेरे काफ़ी प्रिय मित्र हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों क्या ब्यूटीफुल व्यू है, और कितना सुंदर गांव है नीचे। वो पार रहा गिरिपुल, वहाँ से आ रहे हैं अभी हम, थोड़ा ही रह चुका है अभी यहाँ से। दोस्तों अलग ही जलवायु में एंट्री कर रहे हैं हम अब। ये है चायल का जंगल, यहाँ भी काफी ठंडा रहता है मौसम। यहाँ पे भी देवदार के पेड़ मिल जाएंगे दिखने को। ये देखिए दोस्तों देवदार का पेड़ स्टार्ट हो गया है दिखने को। देखिए दोस्तों ये व्यू पॉइंट है, और भी यहाँ देखिए दोस्तों थोड़ा ही रह गया यहाँ से। देखिए क्या सुंदर दिख रहा है यहाँ से, काफ़ी टूरिस्ट भी आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा व्यू पॉइंट है ये। वो आने का रास्ता क्या दोस्तों? स्वागत है, एंट्री हो चुकी है, खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत काली का टीपा, जय माँ। दोस्तों हम पहुंच गए हैं काली का टीपा, और बहुत धूप है यहाँ पे, आँख में लग रहा है धूप। अभी क्या हुआ, एक एचआर की गाड़ी ने थोड़ी सी यहाँ पे बजा दी है, थोड़ा सा फ्लैश डलवा दिया है। एचआर नंबर ज़्यादा तो नहीं है, हरियाणा वाला नंबर मार के चला गया है। हाँ, और ये देखिए थोड़ी धूप लग रही है यहाँ पे। अभी आपको ऊपर से दिखाऊंगा, ऊपर का व्यू बेहद सुंदर है। दर्शन कर लिए दोस्तों, और प्रसाद भी मिल चुका है। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, यहाँ से आपको सारे पहाड़ दिख जाएंगे, चूड़धार की चोटियाँ, धारों के धार, सब दूर दूर की पहाड़ियाँ नज़र आ जाएगी यहाँ से। तो काफ़ी सुकून है इस जगह में, बहुत आनंद महसूस हो रहा है दोस्तों।
एफएम जेल छोड़ने आते जो भी और सुनवाई था। और ये देखिए गुप्त को मेरे मित्रों की कैसा लग रहा है आप लोगों को इस खूबसूरत काली के टिब्बे में पधारने पर, कुछ कहना चाहेंगे? बोल दे। थोड़े शर्मिले जैसे मेरे भैया लोग कुछ कहते नहीं है। मुझे काली के टिब्बे का इतिहास नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है अगर आप यहाँ आते हो तो आपको एक बेहतरीन सुकून का एहसास होता है। वैसे भी आपको आशीर्वाद मिलता है महामई माँ काली का, जो हमारे लिए काफ़ी है।